पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर? उत्तर होगा एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस नॉट सेंटर। दूसरा प्रश्न है हाउ वाज इट कंसीव्ड? उत्तर है इट वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम डिजिटल स्टैंडर्ड। चलिए तीसरा क्वेश्चन है ये क्लास नाइन्थ का पेज नंबर क्लास नाइन्थ का लेसन थ्री साइलेंट रिवॉल्यूशन का प्रश्न और उत्तर है। ठीक है अगला है व्हाट एबिलिटी डज इट हैव? उत्तर है इट हैज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज ऑन ए मोबाइल फोन। चौथा है हाउ आर मैसेज सेंड एंड रूटेड? उत्तर है मैसेज आर सेंड एंड रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। क्या निश्चित करता है दैट मैसेज डिलीवर्ड, मैसेज डिलीवर्ड हो गया एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। तो ये होता है एसएमएससी करता है द मैसेज आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय सर्विस प्रोवाइडर। दिस इंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच ऑफ आर आउट ऑफ कवरेज एरिया। अगला देखिए सिक्स व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सातवां नंबर व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका फंक्शन क्या है? एनसीईआरटी का है। चलिए सातवां है व्हाट इज इट्स फंक्शन? उत्तर आपके सामने है द एसएमएस स्टोर द मैसेज एंड फॉरवर्ड इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर्स द नेटवर्क। चौपन तो खींच के भेजेगा सर फोटो उसका।
अगला देखिए, 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? व्हाट वन व्हाट अकाउंट में द डिले ऑफ अ मैसेज वी डिलेड डिलीवरी ऑफ द मैसेज डिले द मैसेज द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज मे बी डिलेड ड्यू टू कंजेशन। साइंस में कोशिका पास है और ये एक पेड़ के ऊपर है ना, ऑनलाइन है। द डिलीवरी ऑफ मैसेज कैन बी डिले मे बी डिलेड ड्यू टू कंजेशन। हो गया, आगे बढ़े जी। हो गया जी। अगला देखिए, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एसएमएस। The beauty of SMS is that message can be sent and received even while I'm making bicycle. Agla hai, what is bicycle? इसका उत्तर हम अलग भी लिख सकते हैं bicycle का। वॉइस कॉल के लिए हम अलग भी लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब वॉइस कॉल इज एक्चुअल चैटिंग, ACTUA, एक्चुअल चैटिंग इन रियल वॉइस। ठीक है, वैसे भी हम लिख सकते हैं, अब वॉइस कॉल इज एक्चुअल चैटिंग इन रियल वॉइस। जी दोनों वॉइस कॉल का दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब वॉइस कॉल इज अ साउंड दैट टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल, या ऐसे लिख सकते हैं, अब वॉइस कॉल इज अ एक्चुअल चैटिंग इन रियल वॉइस। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर्स, डिफर फ्रॉम एसएमएस।
हो गया. अ वॉइस कॉल डिफर्स फ्रॉम एसएमएस इज दैट इट वाज अ वॉइस वेयर एज एसएमएस यूजर्स टेक्स्ट अगेन इट टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल व्हाइल एसएमएस ट्रेवल्स ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग अ सिग्नलिंग पाथ. ये आपका जो है यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ, ये आपका जो है सारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो भी प्रश्न है वो आपका समाप्त हुआ. ग्यारह प्रश्न थे, ग्यारह प्रश्न आपका समाप्त हुआ. बुक के अंदर की जो बातें हैं वो हम लोग कल देखेंगे. अगला सब्जेक्ट देख लें. अगला सब्जेक्ट, हाँ एक चीज है आपका आज का होमवर्क है, फेयर तो आप करेंगे, इमेज वाला नहीं दिखा रहा है, फेयर तो आप करेंगे, साथ साथ आपको एक चीज लिखना है, वो है थोड़ा सा काम करेंगे उस पे, वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर. आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 से 100 वर्ड में, ठीक है, 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर. ठीक है, इसके बारे में लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर के बारे में. चलिए बाकी जो क्लास है सर